अपनाएंगे और उन्हीं कथाओं को सुनेंगे
ही सब वास्तविक कल्याण। ऋषि का अर्थ होता है मंत्रद्रष्टा, जो कि मंत्र के साथ साथ मंत्र देवता का दर्शन करने वाले वे मंत्रद्रष्टा ऋषि हो गए। पहले जमाने के बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आए, यज्ञ वल्क आदि बड़े बड़े ऋषि हुए, जिन्होंने वैज्ञानिक की बातें कही और विज्ञान की बातें नहीं, वेदांत में बहुत वर्णन हुआ है। वे सभी मंत्र द्रष्टा ऋषि रहे हैं, मंत्र देवता का भी दर्शन किए, परंतु वे सभी देखा जाए तो उस जमाने के जिस समय पुराने प्राचीन काल के जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि किए, जो मनन करने वाले हैं, उनको मननशील मुनि कहा जाता है, मंत्र देवता का दर्शन करने वाले मंत्र द्रष्टा ऋषि कहे जाते हैं, और उस समय के ऋषि और मुनि हुए। परंतु आज के युग में, वर्तमान युग में, जो हमारे गुरुवर्ग बड़े बड़े महान ऋषियों की पदवी को प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान और महान पुरुष, जिन्होंने मंत्रों के साथ मंत्र देवता का दर्शन किया, आराध्य देवता के साथ में जिन्होंने संपर्क जोड़ दिया, एक एक करके लाखों जीवों को भगवान की भक्ति में लगाया और संसार के मार्ग से हटा करके कृष्ण भक्ति रस में शराब और डल दिए, ऐसे जो आज के महान ऋषियों, जो बड़े बड़े महान पुरुष कृष्ण भक्ति रस के पारावार, उन महान ऋषियों से भी महान, जो कि खास करके राधा निज वृषोहन नंदनी से राधा जी के जो लोग निजान बने, जो लोग अंतरंग भावों को पकड़ पाए और उन भावों को विस्तार करने वाले ऐसे महान पुरुषों के जीवन शैली को हम लोग श्रवण कीर्तन करते आए हैं और करते हैं। आज एक महान पुरुष जो कि श्रीमद् भक्ति सिद्धांत शास्त्र गोस्वामी प्रभुपाद के अनुकंपित अनुग्रही, जो कि नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्थ श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, जो केवल देखने में ही नहीं, काम में, गुणों में और बोलने में और बॉडी से और सेवा से सब प्रकार से अद्भुत वैशिष्ट को रखने वाले ऐसे महान भजन गुरु, जो कि दिन के शरीर को देखे तो देखने से ही डर लग जाता है, भाई कैसे साधु है भाई ऐसे बोले। हमारे एक बार श्री बनवारी प्रभु जी बोले भाई एक बार तबीयत खराब हुई, उनको हम बस में ले गए, एक बस पूरा रिजर्व किया तो आधा बस तो उनके लिए ही लगा कि इतने मोड़े हैं भाई और दरवाजे में अंदर ले जाने में हमें कितनी दिक्कत हुई। जिस समय मैं महाराज जी के साथ में गया तो जब बैठे थे कुर्सी में, उनके चांद इतने मोटे मोटे देख करके डर लग गया भाई, देखने से पेशाब भी निकल जाएगा इतने भाई ऐसे मोटे, और जब बात करने लगे तो मुझे भी डर लग गया भाई कैसे गंभीर होकर के बात कर रहे हैं भाई। कोई भी साधारण व्यक्ति देखेगा तो डर के मारे घबरा जाएगा, तो उनके बात बोली और उनके वाणी को सुनने से हरणी कंप हो जाएगा, तो ऐसे महाराज जी। और वैसे हमारे बनवारी प्रभु जी कहते हैं कि गौड़ीय जितने भी गौड़ीय मठ हैं, समस्त गौड़ीय मठों में सबसे नंबर एक के प्रसाद यदि बनता है तो महाराज के हुआ होता है। और ऐसे कलाकार हैं, और ऐसे कलाकार से सेवा और श्रृंगार और सेवा पूजा और भोग प्रसाद सभी परिपाटी है, जो कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने टिक नहीं सकते। ऐसे प्रवचन देने में भी ऐसे गंभीर होकर के बोलते हैं कहीं जंगल में शेर गरज रहा है भाई, तो उनके डर के मारे सभी काम जाए, हिल जाए।
ऐसी जो भी उनकी कथाएं अभी भारत में सुनाए गए, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे महाराज जो वर्णन करें और उनके जीवन करे, उनके भजन आदर्श, उनके शैली अद्भुत प्रतिभा संपन्न, जो कि उनके सन्धि में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु का भक्ति भक्ति विवेक से भारती महाराज जी थे। उनका फोटो देखने से लगता है कितने लंबे, हम लोगों ने महाराज जी से सुना 1 लाख व्यक्ति के बीच में खड़े हो जाए तो दिखाई देगा कि हाँ एक महाराज जी खड़े हैं ऐसे लंबे तो, और ये महाराज जी ऐसे मोटे और ऐसे शरीर फेरे वाले साधु हैं, बस देखने से ही लगेगा कि हाँ था। और उन्होंने क्या किया, वेदांत के गोविंद भाष्य को प्रकाशित कर दिया, सिद्धांत दिए और गोविंद भाष्य प्रकाशित करते हुए वेदांत के, क्योंकि वेदांत का तात्पर्य भक्ति से है और वेदांत का तात्पर्य आराध्य श्री राधा गोविंद है, उनकी महिमा को स्थापित करते हुए जो कि ईश्वर के पठ प्रश्न मांडू का मंडू का तैतरीय ऐतरीय छांत वृदारण्य आदि उपनिषदों को प्रकाशित करके दिखाया कि गौड़ीय वैष्णव केवल पौराणिक नहीं वैदांतिक है। और वेदांत पर बोलते हैं केवल कर्म कांडी रामकृष्ण मिशन वाले वे लोग कहते हैं जो कर्मी वाले कि हम वेदांति हैं, और वेदांत की उल्टी व्याख्या करके कर्म कांड में बहे हुए मांस मछली खाने वाले। एक बार हम नीमपीट में गए तो वहाँ हमारे एक भक्त ने उन लोगों को ऐसे खंडन किया, बोले कि आप लोग मांस मछली खाने वाले और आप कहते हैं हमें खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, आप जैसे जघन्ना अपराधी और वहाँ पापी साधु संन्यासी बन करके मांस मछली खाते हैं, कोई भगवान का भोग नहीं लगता। एक बार हम नगर कीर्तन ले गए, अंदर में कीर्तन करने नहीं दिया, बोले कि यहाँ कीर्तन नहीं होता है, ऐसे कीर्तन विरोधी भक्ति विरोधी कर्मी संप्रदाय अपने को कहता है वेदांति। वेदांत कर कभी एक अक्षर भी देखा नहीं, ऐसे गलत अर्थ करके उल्टी सीधी बात करते हैं हमारे परमानंद श्री भक्त श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी ने प्रजा प्रसंग में इस रूप में उन कर्मकांडियों को उन कर्मियों को खंडन किया था। अभी हम महाराज लोगों से श्रवण करेंगे, ऐसे ऐसे महाराज जी के आविर्भाव से थी, आज उनके चरणों में हम पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। अभी हम लोग प्रवचन के पश्चात ही उनके चरणों में सभी लोग पुष्पांजलि समर्पण करेंगे और आरती करके पुष्पांजलि दे करके आज हम लोग नागपुण्य की परिक्रमा में जाएंगे। तो पुष्पांजलि के बाद पश्चात थोड़ा ब्रेकफास्ट ग्रहण करके सभी लोग परिक्रमा में चलेंगे श्री नागपुण्य। तो अभी हमारे मंदिर में उपस्थित प्रश्न श्रीमद भक्ति विदास श्री परिप्राजक महाराज जी वे श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करें हम उन्हें से प्रार्थना। ओम ओंकारग्रंथ जनंदनसुराकर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण
गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मलियो परम উপস্থিত বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব তিথিতে ওনার চরিত্রতা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করেছি। বৈষ্ণবগণের গুণগান করিলে নিবেদ্রা পরিত্রাণ পেতে হলে এই সংসার দুঃখ জ্বালা থেকে একমাত্র বৈষ্ণবকালের গুণকীর্তন করাই একমাত্র রাস্তা, সুগম রাস্তা। বৈষ্ণবকালের গুণকীর্তন পেতে রেখে সংসারে এই দুঃখ জ্বালা থেকে আমরা নিস্তার পেতে পারি না। শুধু দুঃখ জ্বালায় নয়, বলছেন যে বৈষ্ণবকালের গুণকীর্তন করলে উপরতে নেগেটিভ উপর সব চলে যাবে, কিন্তু ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি উদিত হবে। কিন্তু ভক্তি উদিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভ যেটা আছে ভক্তির বিরোধী এগুলো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। বৈষ্ণবগণের গুণকীর্তন করলে আমাদের পরম মঙ্গল না হবে। আর অনায়াসে ওরা দুঃখ ইত্যাদি সাধারণ জিনিস এগুলো নষ্ট হবে। সুতরাং আমরা সেই বৈষ্ণবগণের পুরুত্বের কথা আমরা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করেছি, এটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ব্যাস পূজা গুরুদেবের আবির্ভাব হচ্ছেন ব্যাস পূজা। ব্যাস পূজার অর্থ সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা অনেক জায়গায় অনেক ভাবে করেছেন, বলছেন ব্যাপকার্থে হচ্ছে ব্যাস। তবে ব্যাস যখন অঙ্কিত হয় তখন মূল এক কেন্দ্রবিন্দু বিন্দুকে আশ্রয় করে তারপর ব্যাপক আকারে সেটা হয়, সেটা হচ্ছে বিন্দু হচ্ছেন কুরুপাত্ম কিংবা ভগবান। আমাদের সামনে প্রথমে কুরুপাত্ম, তারপরে হচ্ছে ভগবান। সুতরাং তিনি ভগবানের বিভিন্ন প্রকার লীলা ইত্যাদি সব ব্যাপকভাবে তিনি প্রচার এবং প্রসার করে লিখতেন, তিনি হচ্ছেন ব্যাস। সুতরাং আমাদের সামনে আজ যে মহাপুরুষের আমরা আবির্ভাব তিথিতে এখানে সমবেত হয়েছি, তিনি ওইরূপভাবে ব্যাপকভাবে ভগবানের মনোবিষ্ট পূরণ করেছিলেন। আমরা শ্রবণ করেছি তখনকার প্রবাদের সময়, সেই সময় তো আমাদের খুবই অসুবিধা ছিল সবাই, কিন্তু এরা কত কষ্ট করে এরা মনোবাদ এবং গুরুসভা করেছেন। একবার শুনেছি ওই শিয়রদাতে ওরা বাধা করতে গিয়েছেন আমাদের পরম সময় নিত্যলীলা সুবিষ্ণুবাদ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশবশী মহারাজ এবং ভক্তি সুতরাং ওখানে হচ্ছে সেবার প্রতিযোগিতা, উনি বলছেন যে আমাকে বড়টা দাও, উনি বললেন না আমরা তো হয়তো পিছিয়ে যাবো, আমরা ছোটটা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো, উনি নেয়নি বড়টা। কিন্তু ওখানে সেবার যেখানে উৎকর্ষতা আছে নিষ্ঠা আছে, তিনি বলছেন যে আমাকে বড়টা দাও, এটাই তো আর বড় কথা না, এটা সেবার নিষ্ঠাটা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে। একবার পুরীতে মহারাজ একটুখানি অসুস্থ
লীলা প্রকাশ করেছে, কিন্তু বৈষ্ণবের অসুস্থতা ওটা শুধু আমাদের শিক্ষার জন্য। তা আমরা কয়েকজন মিলে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম মহারাজকে দর্শন করার জন্য। তা আমার আবার অনধিকার একটুখানি প্রশ্ন হৃদয়ের মধ্যে জেগে উঠলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম মহারাজ আপনি ক্ষমা করবেন আপনার আমার অপরাধের জন্য। তা আমার একটা কথা আমার মনের মধ্যে ভিতরের মধ্যে যাচ্ছে সেটা একটু বলবো। মহারাজ বললেন হ্যাঁ বলো বলো, কারণ আমরা যখন এই কেশব মহারাজের মঠ থেকে যাই ওখানেও যখন যেতে আমরা নবদেবের আগে কোন মঠ থেকে এসেছে বাবা যে কেশব মহারাজের অপ্রাকৃত শরীর, তা অপ্রাকৃত শরীরে এই যে রূপ ব্যাধি কেন দেখা যায়? হ্যাঁ এটা ভালো প্রশ্ন, প্রশ্নটা খুবই ভালো। অপ্রাকৃত শরীরে তো প্রাকৃত কোন ভূমিকাই দেখা যাবে না, ওটা চিন্ময় শরীর। চিন্ময় শরীর যেহেতু তাহলে ওখানে একটু রোগের ব্যাপার কেন দেখা যায়, এটার কারণটা কি? ভালো প্রশ্ন করেছে বাবা। যে দেখো যখনই কোন গুরু বৈষ্ণবগণের প্রতি কোন শিষ্য একটুখানি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করে, অপরাধ করে, তাদেরকে এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য সেবার সুযোগ দেন প্রশ্ন করেন। যখনই এই গুরুদেবের চরণে কেউ অপরাধ করলেন, সেবা অপরাধ, গুরু অপরাধ, এখন ওই অপরাধের হাত থেকে নিস্তার পাবে কি করে? এই জন্যে গুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ তারা ওই একটা রোগের একটা অঙ্গীকার করে নেন, করে নিলে তো বাচ্চারা সেবা করতেই হবে। আবার